इन्फो फॉर्मेशन के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी। मौजूद नाजरीन, पीपीएससी ने जॉब्स अनाउंस कर दिए हैं सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। इसमें अप्लाई करने का तरीका कार, रिक्वायरमेंट्स, लास्ट डेट जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने PPSC टाइप करना है। PPSC टाइप करने के बाद आपने इसको सर्च कर लेना है। ऊपर सबसे पहले आपके पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट आ जाएगी। आपने लिंक को क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये उन्होंने अनाउंसमेंट की है जनाब, अब जितनी भी पेमेंट वगैरह होगी वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो सकती है, मोबाइल ऐप, ATM वगैरह वगैरह, जितनी भी ऑनलाइन बैंकिंग है उसके ज़रिए। उसके बाद जनाब आपने ये तीन लाइनें जो हैं इस पर क्लिक कर लेना है और जॉब का ऑप्शन सेकंड नंबर पर होम के बाद होगा, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक कर लिया, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें पोस्ट नेम, पोस्ट फी और डिपार्टमेंट कौन सा है जी ये आ जाएगा, एड डेट भी आ जाएगी, उसके बाद लास्ट डेट आ जाएगी, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई याद रखना है आपने ये। अच्छा, इसको ये देखने के बाद आपने क्या करना है जनाब, इसमें पोस्ट नेम जो है इस पर आपने क्लिक कर लेना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसमें सारी डिटेल दी हुई है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसमें सबसे ऊपर दी हुई है पोस्ट अप्लाइंग फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप करना चाहते हैं, चूँकि इसमें सिर्फ प्रोटोकॉल ऑफिसर की है तो वही सिलेक्ट होगी। उसके बाद डिपार्टमेंट आ गया, डिपार्टमेंट कौन सा है, पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर। उसके बाद एडवर्टीज़मेंट नंबर आ गया, उसके बाद केस नंबर आ गया जी, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन BA और BSc सेकंड डिवीज़न के साथ आपकी होनी चाहिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक है जी, उसके बाद पोस्ट फॉर वुमेन कोई नहीं है, पोस्ट फॉर स्पेशल पर्सन कोई नहीं है, उसके बाद पोस्ट फॉर माइनॉरिटी ज़ीरो है, उसके बाद स्पेशल जून कोटा वो भी ज़ीरो है, उसके बाद एक्सपीरियंस आ गया, एक्सपीरियंस आपसे 5 ईयर का वो मांग रहे हैं। उसके बाद आपने पे स्केल आ गया, पे स्केल है जी BS 17। उसके बाद एज रिक्वायरमेंट कितनी है जी, मेल के लिए है 25 से 45 प्लस 7 ईयर एक्सपीरियंस फॉर फीमेल। उसके बाद मेल के लिए फीमेल के लिए आ गया 25 से 45 प्लस 10 ईयर 55 ईयर एज पर गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब नोटिफिकेशन, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये उन्होंने एज आपके सामने मेंशन कर दी है 52 और 55। उसके बाद नीचे आ जाता है जी एलिजिबिलिटी, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। इसमें सिर्फ मेल के लिए अनाउंस की हुई है, फीमेल और मेल ट्रांसजेंडर जो हैं इसको आपने निगलेक्ट कर देना है। उसके बाद आ गई जी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, PPSC हेड ऑफिस लाहौर। उसके बाद आ गई रिसर्च, इसको आपने छोड़ देना, इसमें कुछ भी नहीं है, प्रेफरेंस भी कुछ भी नहीं है। उसके बाद फ़ीस आ गई जी 600 फीस है इसकी। उसके बाद क्लोजिंग डेट इसकी है 18। आगे आप कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने एक रिक्वायरमेंट का पोर्शन आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड होगा उन्हें वो आपको एडवर्टीज़मेंट में दे देंगे, फर्स्ट पेज पर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन, इस पर क्लिक कर देना है आपने। आगे अप्लाई ऑनलाइन आ गया, अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें अब वो आपसे आपका CNIC मांग रहे हैं, ऊपर आपने विद डैश CNIC पुट करना है और उस नीचे वाले में आपने विदाउट डैश। मैंने अप्लाई नहीं करना, मैंने सिर्फ आपको एक डेमो देना था, वो आपको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आगे आप खुद प्रोसीजर अगला जो है वो आप कर लेंगे। ये वीडियो यहाँ तक थी, अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द।